इन दिनों आईपीएल चल रहा है और इसमें चेन्नई सुपर किंग्स के हाल बेहाल हैं। चारों मुकाबले ये टीम अपने हार चुकी है और अब उसको एक और बड़ा झटका लगा है और झटका ये है कि दीपक चाहर पूरे आईपीएल से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये माना जा रहा था कि दीपक चाहर जो है आधे आईपीएल में यानी 25-26 तारीख के आसपास जो है उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वो पूरे आईपीएल से बाहर रह सकते हैं। और उनकी गैर मौजूदगी में आपने भी देखा होगा कि बेदम अटैक दिखाई देता है पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स का, जो उनसे बहुत ही महंगा साबित हुआ है। आपको याद दिला दें कि 20 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में T20 सीरीज के दौरान T20 सीरीज के एक मैच में ये खिलाड़ी चोटिल हो गया था, इंजर्ड हो गया था, उसके बाद से ये एनसीए में बेंगलुरु स्थित एनसीए क्रिकेट अकेडमी में जो है रिहैब कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। आईपीएल 2021 में यानी पिछले साल 14 विकेट इस खिलाड़ी ने चटकाए थे और इनका जो लगातार प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन जो है उसमें सुधार होता गया। इन्हें स्विंग, बेहतरीन स्विंग के लिए जाना जाता है, पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी, विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके खेल की बहुत बड़ी विशेषता है और साथ ही लोअर ऑर्डर में भी ये खिलाड़ी बहुत अच्छे रन बरसा सकता है और ये साबित भी किया है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में। श्रीलंका के खिलाफ मैच को याद कीजिए जब ये खिलाड़ी 69 रन बनाकर नॉट आउट रहा था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इस खिलाड़ी ने 54 रन की बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। और इसके अलावा भी अगर आप याद करें, नागपुर में बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच खेला गया था 2019 में, वहां पर इस खिलाड़ी ने 7 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। जी हां, 7 रन देकर 6 विकेट, वो भी 4 ओवर में, क्योंकि 4 ओवर का ये कोटा होता है, अधिकतम कोई भी गेंदबाज इतनी गेंदबाजी कर सकता है। और इस खिलाड़ी ने 2016 में पुणे सुपर जॉइंट्स की ओर से अपना करियर की शुरुआत की थी और 2008 में ये मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में चले गए 80 लाख रुपए में, जबकि 2016 में पुणे सुपर जॉइंट्स की ओर ने इन्हें 10 लाख की राशि में अपनी टीम में शामिल किया था। तो विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है, रन भी बना लेते हैं बहुत अच्छे और आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और आईपीएल में अब तक 59 विकेट इनके नाम है और 13 रन देकर 4 विकेट इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है आईपीएल में और पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले साल इन्होंने ये प्रदर्शन किया था। तो अब क्योंकि अटैक जो है चेन्नई सुपर किंग्स का उनकी हार का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, दीपक चाहर के रूप में जो बची खुची उम्मीद थी वो भी खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि अब वो उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है और संभावना यही है कि वो पूरे आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। कितना बड़ा झटका मानते हैं आप चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और उसके वापसी के दरवाजे खुलने के लिए, इस बारे में अपनी राय से हमें आपका जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।